पे दोस्तों नीलगाय बहुत ही तेज भाग रही है और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है बेचारी, मेरी वजह से भीग रही है बारिश में। तो मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ बहुत तगड़ा। गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग और मेरा नाम है आशीष पाठक दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अपने एक खेत में, क्योंकि वहाँ पे एक नीलगाय आती है और उसने एकदम जीना हराम कर रखा है और वो खेत को चर लेती है, तो उसको हमें भगाने चलना पड़ेगा। सो वी विल से टू द नीलगाय कि प्लीज डोंट चर माई खेत। सो चलते हैं दोस्तों वहाँ पे। और बादल हो रहा है यहाँ पे, सामने यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा लुक है दोस्तों। तो हम इस बगीचे में आ गए हैं और यहाँ पर एक नीलगाय जी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये खड़ी है मेरे सामने। आओ आओ आओ, हम आ गए नीलगाय के सामने और यहाँ पर भाग रही है। ओए आ गई, ये देख सकते हो आप, पीछे भाग रही है, लगता है मुझे डर रही है। ओए पर दोस्तों नीलगाय बहुत ही तेज भाग रही है, यहाँ देख सकते हो। ओए आ बेटे आओ, और यहाँ पे बेचारी खड़ी हुई है, लगता है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मुझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों ये बेचारी मेरे वजह से जो है यहाँ से भाग गई और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है बेचारी, मेरे वजह से भीग रही है बारिश में दोस्तों। तो जैसे ही मैं इस बगीचे में पहुंचा हूँ, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और यहाँ पे आके एक पेड़ के साइड में खड़े होकर मुझे छिपना पड़ेगा जब तक ये बारिश समाप्त नहीं हो जाती, नहीं तो मेरा फोन भी भीग जाएगा। और दोस्तों इतनी तेज बारिश में यहाँ पे हमारे गांव के लोग हैं, ये अपनी भैंस को चरा रहे हैं। भाई रिस्पेक्ट है इनके लिए यार, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी भैंस है और यहाँ भी भैंस चरा रहे हैं इतनी तेज बारिश में। यहाँ भी देखो भैया, यहाँ भी बारिश में भैंस को चरा रहे हैं लोग। वाह क्या सीन है। और यार बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, देख सकते हो कितना तेज बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ बहुत तगड़ा और बहुत ही तगड़ी बारिश भी हो रही है मेरे साइड में, पूरी यहाँ बगीचे में बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ भी देख सकते हो मेरे पीछे कितनी तेज बारिश हो रही है, मेरे पास छाता होता भी नहीं है, अब लगता है मैं भीग ही जाऊँगा। और यहाँ भी देख सकते हो दोस्तों कितनी तेज बारिश हो रही है, यहाँ पे इतनी तेज बारिश में भी भैंस को चरा रहे हैं। पीछे इतना तेज बारिश हो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, यहाँ पे देख सकते हो आप इतनी तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ गांव में, ये देख सकते हो आप बहुत जोरों की बारिश हो रही है। और दोस्तों यहाँ भी देख सकते हो कितने जोरों की बारिश हो रही है, पूरे गाँव जो है एकदम पूरे भीग रहे हैं। ये बारिश थोड़ी कम हुई है और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, नहीं तो अभी बारिश और भी तेज़ हो सकती है। लेकिन अभी पीछे साइडों में और भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हम तो निकल लेते हैं यहाँ से भैया। तो यहाँ पे एक पेड़ भी गिर चुका है, ये देख सकते हो आप, इसके जड़ों में जो है पानी चला गया था, इसके वजह से ये पेड़ जो है पूरा गिर चुका है, शीशम का पेड़ है ये। और हम अब यहाँ से निकलते हैं अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ओह झिम झिम गिरे सावन, यहाँ तो बगीचे में अभी भी यहाँ पे देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बारिश जो है तेज हो गई है, बारिश होने लगी है। अब मेरा फ़ोन तो वाटर प्रूफ है, नहीं तो आज मैं एकदम ख़त्म था यहाँ पे। काफ़ी तेज बारिश फिर स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं उस बगीचे से भाग के यहाँ पे तक आ गया हूँ और बारिश जो है थोड़ी सी स्लो हुई है ज़रूर ये कहना पड़ेगा, लेकिन ये बादल अभी दिख रहे होंगे आपको, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी ही रखनी पड़ेगी क्योंकि पीछे हमारे अभी भी बारिश हो रही है। और दोस्तों बारिश तो इसमें खेतों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आप, इस धान में जब पानी रहेगा तो ये तभी ग्रोथ करेगा ये।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।